आसनसोल के जुबली मोड़ के पास एक गाड़ी में गांजा की तस्करी कर रहे 330 केजी गांजा ट्रांसफर कर रहे थे। उसी समय पुलिस को सूत्रों के हवाले से खबर आती है। नॉर्थ थाना पुलिस घटना स्थल पर जाकर धरपकड़ करती है, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और 2 लोग फरार हो जाते हैं। बुधवार के दिन आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट नॉर्थ थाना अंतर्गत कन्यापुर फाड़ी में प्रेस वार्ता के माध्यम से डीसी हेडक्वार्टर शेख दास ने कहा, हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2 फरार हो गए हैं। गिरफ्तार लोगों में से 3 इसी जिले के हैं और अन्य जिले का और एक जन यूपी का बलिया जिले के रहने वाला है। आज सभी को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और 3 जन को रिमांड में लेने की अर्जी भी हम लोग कोर्ट में करेंगे। और कहा, हम लोग छानबीन कर रहे हैं इन तस्करों के तार कहां से जुड़े हैं, जल्द ही इसके बारे में हम पता लगाएंगे। ये नॉर्थ थाने के अंदर ये केस हो रहा है आज एनडीपीएस के अंदर। इसमें 5 आदमी अभी तक अरेस्ट हुए हैं जो अभी फॉरवर्ड होंगे कोर्ट में और इनमें से 3 लोगों को रिमांड पे लिया जाएगा और लगभग 330 किलो के ऊपर गांजा रिकवरी हुआ है और 2 गाड़ी सीज हुआ है। तो सभी इस केस में जा रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और भी अगर लोग जुड़े हुए इस गैंग के साथ, जो इनके ऊपर भी हो सकते हैं, इनके नीचे भी हो सकते हैं, ये पूरे नेटवर्क को हम लोग डिटेक्ट करके इनको लीगल एक्शन लेने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चैनल अभी हम लोग को इनको रिमांड में लेते हैं, उसके बाद इंटरव्यू करके पता चलेगा। हम लोग को जब मिला तब ये एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी में ये लोग मतलब सामान एक्सचेंज कर रहे थे। नहीं, सोर्स था, सोर्स इंफॉर्मेशन। हाँ, स्पॉट पे लगभग 7 लोग थे, तो उसमें से 5 लोग हम लोग पकड़ पाए, 2 लोग भाग गए। एक टीम तो इस जिला का है, एक नॉर्थ थाने के अंदर, एक कुल्टी, एक अंडाल और एक सोदपुर नॉर्थ 24 परगना के अंदर है और एक है आपका यूपी, ये है आपका पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर स्थित राम जानकी मंदिर में भव्य रूप से जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ विधायक जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में पूजा अर्चना की गई। विधायक ने यहाँ पूजा कर आशीर्वाद लिया तथा आरती भी की। विधायक को मंदिर कमेटी की ओर से सम्मानित भी किया गया। विधायक ने सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी और सभी के कुशल मंगल होने की कामना भी की है। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के सीमेंट धवड़ा मंदिर बानी कोलियरी गोगला में जन्माष्टमी उत्सव का उद्घाटन विधायक जितेंद्र तिवारी ने किया। यहां आकर्षक आयोजन किया गया था। इस मौके पर विधायक जितेंद्र तिवारी ने कहा कि आप लोगों ने जो अपना पन दिया है, ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि आपका अपना बनकर मैं रह पाऊं। जिंदगी में कभी कभी अच्छे अनुभवों के रसा संवाद का मौका मिलता है, कभी कुछ कठिनाइयां भी आती है। जीवन में चाहे कुछ अच्छा हो या परेशानी का सामना कर रहे हो, हर स्थिति में पारिवारिक संबंध में कोई दरार नहीं आना चाहिए। परिवार की तरह मिलकर रहे तो हर बड़ी विपत्ति का सामना कर सकते। यहाँ आकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। आपके आशीर्वाद से और ममता बनर्जी के आशीर्वाद से विधायक बना हूँ, जिन्होंने मुझे समर्थन किया और जिन्होंने मेरा विरोध किया उनका भी विधायक हो। सारे लोगों से मेरा अनुरोध है कि जिन्होंने मेरा विरोध किया, जब उन्हें लगे कि मेरे पास आना है या बुलाना है तो वह लोग बेझिझक मुझे संपर्क करें। लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनके करीब जाऊं, लेकिन उनके प्रति मेरे मन में कटुता नहीं आए। यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। भगवान के दरबार में आकर सारा घमंड चूर हो जाता है। सभी ईश्वर की संतान हैं, यहां कोई बड़ा छोटा नहीं है। हमारे मन के अहंकार को समाप्त करने का स्थान देवता का दरबार है। नियमित यात्री ट्रेन सेवाएं अगले नोटिस तक निलंबित रहेंगी, वहीं 230 विशेष ट्रेनें चलती रहेंगी। रेलवे ने एक बयान में कहा, सभी संबंधित
पक्षों के संज्ञा में लाया जाता है। जैसे पहले ही निर्णय लिया गया है और सूचित किया गया है कि नियमित यात्री और लोकल ट्रेन सेवाएं अगले नोटिस तक निलंबित रहेगी। उसने यह भी कहा है कि गौरतलब है कि इस समय चल रही 230 विशेष ट्रेनें चलती रहेंगी। मुंबई में राज्य सरकार की जरूरत के अनुसार केवल सीमित आधार पर चल रही लोकल ट्रेनें भी चलती रहेंगी। रेलवे ने कहा कि विशेष ट्रेनों में यात्रियों की संख्या पर नियमित नजर रखी जा रही है और आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। उसने कहा कि हालांकि लॉकडाउन से पहले तक चल रही अन्य सभी नियमित ट्रेनें और उपनगरीय ट्रेनें अगले नोटिस तक निलंबित रहेंगी। इससे पहले रेलवे ने सभी ट्रेन सेवाओं को 12 अगस्त तक निलंबित कर दिया था। चुके कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए 10 राज्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान कहा कि सभी राज्यों को 72 घंटे जांच नीति अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा खास तौर पर पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, यूपी और तेलंगाना में जांच को बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ टेस्टिंग बढ़ाने पर खास बल देने की बात इस समीक्षा में निकली है। मोदी का ने कहा कि जैसे जैसे समय निकल रहा है महामारी अपना स्वरूप बदल रही है और कई तरह की परिस्थिति पैदा हो रही है। विशेषज्ञ भी इस बात को सामने रख रहे हैं कि अगर 72 घंटे में संक्रमण व्यक्ति की पहचान हो जाए तो जान बचाई जा सकती है। मोदी ने यह भी कहा कि अब 72 घंटे के फॉर्मूले पर ध्यान देना होगा। जो भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित निकले उसके 72 घंटे में सभी संपर्क में आए लोगों की जांच आवश्यक है। दिल्ली यूपी में हालात डराने वाले थे लेकिन अब जांच बढ़ाने के बाद हालात सुधरे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लगातार मिलना जरूरी है क्योंकि महामारी का वक्त बीतते हुए नई बातें पता लग रही है। अब अस्पतालों पर दबाव, स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव, आम लोगों पर दबाव बन रहा है। हर राज्य अपने अपने स्तर पर महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। केंद्र और राज्य टीम बनकर काम कर रहे हैं। सभी का साथ काम करना बड़ी बात। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि इतने बड़े संकट के दौरान सभी के साथ काम करना एक बड़ी बात है। आज 80% कोरोना संक्रमित सक्रिय मामले सिर्फ 10 राज्यों में है। देश में सक्रिय मामले 6 लाख से ज्यादा है। अधिकतर मामले 10 राज्यों में हैं, इसलिए इन राज्यों से चर्चा आवश्यक है। पीएम ने यह भी कहा कि अगर सभी राज्य मिलकर अपने अनुभवों को बांटेंगे जांच की संख्या बढ़ रही है। के साथ चर्चा कर कोरोना वायरस महामारी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में पश्चिम बंगाल सहित आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के तथा कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भी शामिल थे। लेकिन इस बैठक में चर्चा के दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने राज्य में 89% जाने डायबिटीज, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के कारण गई हैं। ममता ने कहा कि शुरुआत में हमने मृत्यु के ऑडिट पर जोर दिया था लेकिन अब यह सामने आ रहा है कि कई बीमारियों के एक साथ होने के कारण कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है। हमारे राज्य में 89% कोरोना मौतें मधुमेह, कैंसर, उच्च रक्तचाप आदि जैसी बीमारियों के कारण हुई है। ममता ने कहा कि हमारे पास हर जिले में कोविड वायरस क्लब है। हमारे आशा और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने बंगाल में 2.5 करोड़ परिवारों के लिए 30 करोड़ विजिट की है। महामारी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष एक बार फिर केंद्र के पास राज्य के वित्त बकाए का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र के पास बंगाल का
53,000 करोड़ रुपए का बकाया अब तक नहीं मिला है। इसके साथ ही ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि केंद्र इसको लेकर दिशा निर्देश जारी करे कि कौन सा टीका या सीरम खरीदना है जो कोविड-19 महामारी के इलाज में इस्तेमाल करना है। पीएम मोदी ने इस दिन 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोरोना वायरस के चलते उत्पन्न स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की थी। ममता ने इस दौरान FRBM का मुद्दा भी उठाया है। फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बताते चले कि गुरुवार को सभी पक्षों की तरफ से लिखित दलील की मांग की गई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आज अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की 2 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें से एक याचिका में रिया ने सुशांत के पिता केके सिंह की ओर से पटना में दर्ज कराए गए मामले को मुंबई स्थानांतरित करने की अपील की। रिया की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान तो बिहार सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह पैरवी कर रहे थे। वहीं सुशांत के पिता की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह और महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी रख रहे थे। मामले में करीब 3 घंटे चली मैराथन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की ट्रांसफर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।